कैंसर के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने लोगों को जागरूक किया, साथ ही उनका इलाज भी किया। शिविर में आए विशेषज्ञों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित किया। भगवानपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष सेहती देवी की पहल पर निशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया, जिसका फायदा आसपास के लोगों को मिला। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं बसपा के 51 नेता सुबोध राकेश ने कहा कि कैंसर एक घातक बीमारी है, इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हिम्मत और जज्बा है तो ऐसी बीमारी हार मान लेती है। सुबोध राकेश ने कहा कि फैक्ट्रियों द्वारा छोड़े जाने वाले केमिकल युक्त पानी कैंसर का मुख्य वजह है, ऐसी फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। वहीं डॉक्टर अजीत तिवारी ने कहा कि हमारे समाज में कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है, इस वजह से लोग डर के कारण घर में ही बैठे रहते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि आप घर पर ना बैठें और समय रहते ही अपना इलाज करवाएं, कैंसर का इलाज हर स्टेज पर उपलब्ध है। मैं सभी से सिर्फ आग्रह करना चाहता हूँ कि कैंसर के जो लक्षण हैं, जो कि हम सभी लगभग अब जानने लग गए हैं, सोशल मीडिया में हो, चाहे न्यूज़पेपर्स में हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स में हो, टीवी में हो, सब जगह हमें पता है कि कैंसर के लक्षण अब क्या होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनके हमें जानकारी पता है, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद हम घर पर बैठे रहते हैं या समाज में कोई हमें कुछ डरा देगा, इसके कारण हम आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। इन सभी से मेरा आग्रह होगा कि इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से और समाज सेवा, जैसे सुबोध राकेश जी जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि समाज के बीच में आके हम कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रेरित कर सकते हैं पेशेंटों को कि आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट करा सकें। कार्यक्रम यहाँ पर जो मेन आज था वो कैंसर की जांच का था, शिविर हमने लगवाया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपनी जांच कराने यहाँ पर आए हैं और हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मंच के माध्यम से, लोगों को समझाया कि कैंसर से कैसे बचना चाहिए, कैंसर से कैसे लड़ना चाहिए और किस तरह, किस स्टेज में, किस सिस्टम में, जब शरीर में दिक्कत समस्या लोगों को आने लगे तो अपनी जाँच तत्काल रूप से करा लेनी चाहिए, क्योंकि एक व्यवस्था है कैंसर की, अगर स्टेज से बाहर वो निकल जाता है तो उसको संभालना भारी हो जाता है, लेकिन समय से अगर पता लग जाए तो उसका इलाज आसान है, आराम से, आसानी से आदमी ठीक हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।